ये हुए इसका वेलकम बटन मैंने इतना भी एडिट करने का था फिर से खेल रहेगा था स्क्रैप फैक्ट्री। और ऑफलाइन गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी स्क्वाड को एन्चेंट किया है और ये देख सकते हो आप मेरे पास है शार्पनेस वो लूटिंग 5 शार्पनेस 7 अनब्रेकिंग 7 और नॉकबैक 3 और मेरी पिकैक्स में भी गाइस आप देख सकते हो फॉर्चून 7 अनब्रेकिंग 7 और एफिशिएंसी 6 है। वो तो मेरी बेकार ही है यार, वो तो मेरी बहुत बेकार है। बाकी आज के एपिसोड में गाइस हम एंडरडॉग को डिफीट करने वाले हैं, एंडरडॉग को नानियाँ दिलाने वाले हैं। सो अभी गाइस मैं तैयारी करने वाला हूँ ज़रा। और अभी अगर मैंने कहा ऑफलाइन गाइस एक पोर्शन चार्म में आया था मुझे यार 30 सेकंड में कोई पोर्शन का इफेक्ट मिलता है और एंडरडॉग से लड़ने के लिए कैसे मैं एंड केक चाहिए होता है। ये रहा एंड केक इसके टेक्सचर पर कितना डिफरेंट है ये बनाना है मैं आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो अभी मैं चीज़ें निकाल अपनी तैयारी व्यारी करूँ। मैं भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल था कहाँ 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 वो रहा ऊपर ठीक है। और अभी इट्स तैयारी टाइम। अभी आपने देखा ही था गाइस मैंने जब तैयारी टाइम आया था उसमें रेड स्टोन को तोड़ा था कितने सारे मेरे रेड स्टोन मिले थे। और वही बात मैंने पूरी तैयारी तो कर ली है सो इट्स टाइम टू डिफीट एंडर ड्रैगन। और अभी आपने देखा ही क्या मैंने कैसे की तैयारी सारी ट्रेडिंग व्रेडिंग की मैंने यहाँ से मतलब ये हमारी एक ट्रेडिंग हॉल ही है यहाँ पे। अबे भाई क्यों मैंने कॉइन क्यों लिए? अच्छा गाइस टोटल में फंडाइंग ले लेंगे ना जनरल पर इतना काम में नहीं आएगा जितना टोटल में फंडाइंग आएगा ठीक है। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा लेना गाइस मैं सोच लेता हूँ पक्की तरीके से नहीं लेंगे आई थिंक मैं कुछ भी नहीं भूल रहा ठीक है। सो अभी हम एंडर एंड मतलब क्या नाम है यार इसका क्या नाम है कहीं मैं नाम भूल गया इसका हाँ क्या नाम है एंड केक ये हम लगा था बैड ऑमन भी मिला हुआ है मुझे मैंने एक उसको मारा था क्या नाम है प्लेजर किंग को प्लेजर को मारा था वो आया था हमारे यहाँ पे महल पे हमने उसको उसकी नानियाँ दिला दी थी। और स्पाइडर मकड़ी क्या हुआ आपको ठीक है। सो क्या गई से मैं जाना चाहिए के लिए क्या मैं फुली तरीके से तैयार हूँ जी हाँ मैं तैयार हूँ देख लेता हूँ मैं एक मरतबा और कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा मैं मामा कुछ अच्छी चीज़ जो कि मैं ले जा सकूँ बट आई डोंट थिंक मैं कुछ भूल रहा हूँ। सो बट गाइस मैं भूल रहा हूँ मैं फूड भूल रहा हूँ लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो अब क्या ही कर सकते हैं गाइस मैं फूड भूल गया लेकिन है ना सामने ही फूड रखा है बट गाइस क्या कर सकते हैं दिल में दर्द मैं ले नहीं पाया गाइस फूड। और ये हमने लिया गाइस फूड प्लैंक्स ताकि भाई ओ शुक्र मुझे ये मतलब क्या नाम है ब्लॉक्स तो याद आ गया दो स्टैक बन जाएंगे मेरे फुली फुली एंड चलो अब चल ले यार तैयारी टाइम में मैंने पता नहीं स्पार्ट को क्यों नहीं डाला डाल दिया तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड अब ये हम गए गाइस खा ले क्या खा लिया ओ माय गॉड गाइस हम आ चुके हैं एंड में दी एंड में द एंड ऑफ द गेम। एंड मैं देख के सबसे पहले हैरान हो गया भाई ये क्या मजाक है क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग सारे। फिर हमने पिक किया अपनी एंडर पल और हम पहुँच गए मतलब डर लगा के गई कहीं नीचे नीचे ले गई ये आ गए थे मंडर ड्रैगन के वर्ल्ड में और लेकिन हमें इस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड बनाना है। और ये गाइस हमारा नकली निशान है लगेंगे ही नहीं कोई से नहीं नहीं वैसे लग जाते हैं वो देखो लगने वाला है अबे लग जाए यार बेइज्जती करा रहे हैं सारे लोग मिलके मेरा कचरा करा रहे हैं ये लग जा प्लीज़ प्लेस मैंने अभी तो एक भी नहीं फाड़ा है अंडर ड्रैगन मेरी फाड़ में आ चुका है। और ये हमने अंडर ड्रैगन की नानियाँ दिला दी हमने उसे ये लो अबे वह देख रहे हो शार्पनेस 7 का क्या ही उसकी बिना कुछ किए उसको नानियाँ दिला दी उसकी और प्लीज़ फूट जा यार प्लीज़ प्लस फूट जा प्लस और मैं स्पेशलिटी भी लगा हुआ ना तो मुझे एरोज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और देख सकते हो गाइस अभी मुझे इफेक्ट मिल गया रेजिस्टेंस का हर 30 सेकंड्स के लिए मुझे कोई इफेक्ट मिलता है 30 सेकंड्स बाद हर एक वो भी है क्या नाम है चाम उससे हर 30 सेकंड में कोई ना कोई मॉब स्पॉन होता है मैंने वो इसलिए नहीं बनाया उसमें क्या पता एंडर ड्रैगन भी स्पॉन हो जाए या फिर वेदर स्पॉन हो जाए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कोई भी मॉब स्पॉन हो सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। सो अभी हम आ चुके हैं गाइस और वो मेरी अबे ये सैंडल ड्रैगन को क्या है हर जगह से तो बात छोड़ी हुई मैं करूँ तो करूँ क्या अभी हम कहीं वाटर बकेट यूज़ करेंगे बट हम तो बहुत बड़े मुंबड़े गए हमें तो आती है नहीं देख सकते हो गई सब कई अजीब व गरीब कर रहा हूँ भाई यार गई वैसे भी ये पॉकेट एडिशन है ना यार फिर से मुझे रेजिस्टेंस इफेक्ट मिल गया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया है ये नहीं एब्जॉर्प्शन है अरे मैं पता नहीं इसको रेजिस्टेंस की समझ रहा हूँ एब्जॉर्प्शन मिला है मुझे क्या हो रही है गाइस मुझे मेरा दिमाग सटक गया है। एंड ये हम जा रहे हैं गाइस ऊपर अबे ले ले यार पानी क्या हो गया मेरे साथ अबे ले ले पानी भर ले भर ले पानी भर ले
पानी आ जा मेरी उसमें, पानी पानी पानी। अबे ब्लॉक भी लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं सांस से मरने वाला हूँ अभी। लग जा ब्लॉक, मैं मरा, बच गया गाइस। बचत बचत बचत, ओ नो। अबे एंडर ड्रैगन के हर बंदा मिलके, सारे के सारे मिलके मेरी बेइज्जती करा रहे हैं, सबके सब मिलके ना गाइस। आज भी ना मेरी सबको मिलके बेइज्जती करानी है मेरी। बट खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे जाऊँ यार गाइस मैं, इन्होंने फिर अब रेजिस्टेंस मिला है, बहुत ही बढ़िया काम हो रही है। लेकिन अंडरडाउन हर जगह अपनी बात छोड़े, मेरा पानी भी वहीं पर रह गया गाइस। मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या मैं। अब देखो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, फूड तो है नहीं तो मैं गाइस क्रिएटिव से फूड, मतलब क्रिएटिव से क्या मतलब मैं कमांड से फूड लेने वाला हूँ। अभी आपने तैयारी टाइम में आपने देखा था मैंने मतलब कमांड से वो भी लिए थे, क्या नाम है उसका, हाँ नैदर वॉट लिया था मैंने कमांड, क्योंकि लेकिन उसके बदले मैंने कहा दो स्टैक कॉबल स्टोन के फेंके थे ईमानदारी से। गिव एट द रेड एस, क्या नाम है, कुक्ड पोर्क चॉप प्लीज, 64 दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं गाइस घर पे आके इसका भरपाना कर दूंगा, बट मैं करना भूल जाता हूँ, अगले पार्ट में गाइस पक्का करेंगे मैं। और आगे आप ये मत समझना कि लास्ट पार्ट ये पार्ट खत्म हो चाहिए, खत्म हो चुकी है, इसमें अभी एक और टास्क बचा है जो है इलाइट्रा चाम, वो बनाना है हमें। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि अगर हम खुद करेंगे, एक हमें अपनी पूरी फैक्ट्री बनानी है ताकि हम उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें भी रख सकें, सारी फैक्ट्री का काम कर सकें। और भी कैसे बहुत सारी चीज़ें करनी है, और वो रहा गाइस अंडर ड्रैगन का सब कुछ। ये चीज़ वेरी वेरी गुड ब्रो। मुझे पानी चाहिए लेकिन ये मुझे पता है ये पानी मुझे लेने देगी नहीं है, मुझे जालिम दुनिया। ओके ये देख रहे हो गाइस एंडर ड्रैगन का मुझसे अपने 7 जन्मों का बदला निकाल रहा है, हमेशा एंडर ड्रैगन मुझसे मरता है सारा बदला निकाल रहा है। मेरे पास थॉर्न्स 10 है यार, मतलब आप मैं आपको मारूंगा नहीं लेकिन आप पहले ऊपर वाले के पास पहुंच जाओगे। और गाइस स्लैम ब्लॉक पर तो गाइस आपको पता है मैं कितना बड़ा नूबड़ा हूँ, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा स्लैम ब्लॉक या नहीं कर पाऊंगा। मैं जब वाटर बकेट तो मेरी ज़ाया हो गई है लेकिन मैं ले सकता हूँ अभी चाहूँ तो, बट बहुत डिफिकल्ट है। एंड हम जा रहे हैं गाइस कूद कूद के बस कूद कूद। पता नहीं मैंने इस टाइम एडिटिंग क्यों नहीं की, बाकी मैंने हर जगह एडिटिंग की इस टाइम, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं एडिट करना भूल गया, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर देता इसको। अब ये देखो गाइस मेरा पानी ख़त्म हो गया गाइस, हादसा हो गया यार, मैंने ब्लॉक लगाए थे वो सारे ब्लॉक जो गायब कर दिए। अंडर ड्रैगन 7 जन्मों सबका बदला निकाल रहा है बस। ओ माय गॉड अभी इंस्टेंट गोल्डन पर मेरी बहुत हेल्प करता है, बट मेरे टोटम फंड आएंगे जो कि ज़्यादा हेल्प करेगा मेरी, मौत के मुंह से टक करके बचाएगा मुझे। एंड यस गाइस यस लेट्स गो। पता नहीं जैसे टावर मुझे क्या हो गया था, मैं एडिट नहीं किया, मैं उसको एडिट करता फास्ट फॉरवर्ड करता यार, आप बोर हो रहे हो गए ये देख के, इसका मतलब अगली मरता मैंने सब कुछ एडिट किया है। इस पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया एडिट, ये हम गए गए कूद कूद के। और अब गए मैं पहले आपको पता है मैं वीडियो एडिट नहीं करता था, लेकिन हम गए मैं वीडियो एडिट करना शुरू कर दिया है, मैंने हर वीडियो गए जब से एडिट हुई भी आएगी। अबे नहीं 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 कितना बड़ा नूबड़ा हूँ, स्लैम ब्लॉक क्लच नहीं कर पाया गाइस मैं। एंड डबल फेंकूँ लेकिन फेंक ना हो जाए यार, कहाँ गई, ओके ओ माय गॉड गाइस क्या ही काम हुआ। ओपी ब्रो ओपी, कम डैमेज पड़ना पड़े, ओके एक भी डैमेज नहीं पड़ा यार गाइस। प्रोटेक्शन 10 है यार गाइस अपने पास, प्रोटेक्शन 10 है, आप क्या जानोगे इस प्रोटेक्शन 10 को। ओके इट्स टाइम टू ब्रेक एवरीथिंग। एंड ये गाइस मेरे हैं नकली निशाने, देख लो गाइस नकली निशाने, वेरी वेरी नकली निशाने, क्या कर सकता हूँ यार गाइस, नकली निशाने मेरे गाइस, वेरी वेरी नकली निशाने। फूट भी जा यार, कितनी बेइज्जती कराएगा मेरी, और फूट जा गाइस नकली निशाने। ओके फाइनली सेलिब्रेशन ब्रो। एंड ये तो इजीली फूट जाएगा। एंडर ड्रैगन ने कहा तुम्हारी है माँ की, लेकिन मैंने कहा ये स्लैम ब्लॉक क्लच, सो सॉरी ब्रो, वेरी वेरी सॉरी, कितना बड़ा नूबड़ा हूँ मैं। और ये गाइस हम फेंकेंगे पचाक, नाइस। ये क्यों जावा एडिशन में होता है, हम यहाँ से मतलब सुराख से फेंक सकते हैं, पता नहीं पॉकेट एडिशन में क्यों नहीं होता ऐसा यार। ये देख सकते हो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था कि मैं इजीली ऊपर जा सकें, आपको ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो। पर एंडर ड्रैगन कहाँ जाने देगा गाइस हमें, फिर से गाइस स्लैम ब्लॉक क्लच नहीं हो पाया गाइस, हम कितने बड़े नूबड़े हैं यार गाइस, फीलिंग सैड यार गाइस। चलो ये मेरे पता नहीं ब्लॉक्स इतने ज़ाया क्यों कर रहा हूँ मैं, 2 स्टैक लाया था। एंड ये फिर से गाइस फास्ट फॉरवर्ड ताकि हम इजीली ऊपर जा सकें। ओके गाइस ये चीज़ एंड टूट जा प्लीज़। अभी गाइस देखो गाइस मैं कांड लिया करता हूँ, देखते रहो गाइस, अब मैंने लगाया इससे फाड़ लूँगा, यहाँ से फाड़ने की कोशिश की ब्लॉक लग गया, यहाँ से पता नहीं कैसे क्या क्या किस जा रहा हूँ गाइस, हाथ से हुए जा रहे गाइस मेरे साथ, जो जल्दी एंड बूम। और अब मैं क्या स्लैम ब्लॉक क्लच कर पाऊँगा गाइस, क्या ख्याल है गाइस आपका, बल्कि मैं एंडरपली फेंक के गाइस सामने चले जाता हूँ, वो इट विल बी मोर ईजी। एंड
सामने की तरफ, मुझे पता है मैं जा नहीं पाऊंगा और नीचे तो पहुंच जाऊंगा टावर के पास उसके। इट्स टाइम टू क्लाइम 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 क्लाइम। फाइनली गाइस क्लाइम कर लिया गाइस हमने, यार मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। ओके फाइनली गाइस सारे वर्क सारे फूट चुके हैं हमने और प्रो, यस गाइस फाइनली गाइस स्लैम ब्लॉक क्लच कर लिया हमने। ओ मा गुड टूरूला एंड ये चीज़ गाइस फिर से आ चुकी है एंडर के पास और शार्पनेस 7 के, जब इसको एक दो पटाखे बचते हैं फिर तो ये कहता है भैया मेरे मुंह से निकल गई मेरी जुबान उठ डैमेज। मैंने कहा आप डैमेज चेक करो यार गाइस, बस आप डैमेज चेक करो, चार डैमेज था। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी निशाना चाहूँगा, मेरे बहुत नकली निशाने नकली निशाने यार गाइस। और फिर मुझे पता चला कि वो एक टावर उसका जिंदा है, देख सकते हो जब एक टावर उसका अभी भी जिंदा है तो मैं कन्फ्यूज हो गया मुझे क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ। एंड ये मैंने फेंके पर कुछ असर नहीं होगा, ऑब्वियसली वो आ चुका है। अब गलत डैमेज देखते जाओ बट गए ये चीज़, ये डैमेज बस गलत डैमेज चेक करते रहो ठीक है। डैमेज दे हो गई पड़ाक ये ना, मतलब 15 स्वॉर्ड्स में ना ये ख़त्म हो जाएगा अगर एक जगह बैठे रहा बिना हेल्थ बढ़ाए ना यही पी रहा। 15 भी आई थिंक ज़्यादा होगी, 12 स्वॉर्ड्स में का खात्मा है क्रिटिकल हिट्स में। लेकिन उसके बाद अभी भी एक जिंदा है, लेकिन हम फाड़ेंगे बिना फाड़े इसको आज मार के दिखाएंगे। देख रहे हो इसका बड़ा चैलेंज लिया है मैंने बिना फाड़े, एक ही वैसे है लेकिन खैर चलो है तो ना भाई, ना होने से होना बेहतर है। एंड पटाक पटाक पट, अबे यार पागल भोसड़ी, मतलब छोड़ो यार, लेकिन अब क्या ही कर सकते, दोबारा आने तो ज़रा गए इसको। आजा 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 आजा, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चेज ब्रो 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 ब्रो, अब तो बेटा आपका खत्म हो दो पॉइंट्स के 30% HP थी, 2 स्वॉर्ड में से काम हो गया। ओ सेलिब्रेशन ब्रो सेलिब्रेशन, ओ मागू टूरूला सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। एंड अब अगर फाइनली एंडरडॉग को उसकी नानियाँ दिला दे, एरोज बहुत कम बचे थे, सिर्फ 12 एरोज बचे थे, मैं नकली निशाने भी कितने हैं इसलिए इतने ही बचने थे। अगर ऐसे मुझे कहते एंडरडॉग का एग निकालना है और इससे मुझे एग जनरेटर बनाना है, एंडरडॉग का एग जनरेटर, तो के एग मैं उसके अंदर डालूंगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे रखना है बस मुझे एग, पता है नीचे रखना है डालना है क्या करना है आई हैव नो आइडिया। एंड मेरा स्लैम ब्लॉक गायब हो गया, कहाँ गया ब्रो क्या हो गया ये, एक तो गैर इसके ग्लिच यार, ओके ये लग गया था सॉरी 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 सॉरी। अबे स्पाइडर मैं अभी अंडर ड्रैगन को मार के आ रहा हूँ और ये मुझे मार दे आएगी। एंड मैं अंडर ड्रैगन का एग लाना भूल गया, लाया हूँ मुझे याद नहीं है परफेक्टली। अबे अभी तो हुआ है यार गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक करूँ, आई थिंक मैं लाना भूल चुका हूँ। खैर अभी तो ये गया ऊपर वाले के पास और अभी गाइस मैं आपको गाइस फिर से गाइस दिखाने वाला हूँ मेरा स्लैम ब्लॉक का क्लच का, क्योंकि आपको जानना चाहिए ना कि गाइस मैं स्लैम ब्लॉक कितनी अच्छी करता हूँ ना। तो अभी आप देखते रहो कि मैं स्लैम ब्लॉक करता हूँ दोबारा, बहुत ऊपर जाऊँगा अभी मैं फिर से स्लैम ब्लॉक क्लच करेंगे गाइस हम। और आपको क्या लगता है गाइस क्या मैं कर पाऊँगा स्लैम ब्लॉक क्लच, मुझे पहले ब्लॉक्स लेने तो बहुत सारे। पहले आगे से आपको अगला टास्क देता हूँ, मेरा अगला टास्क क्या है, एंडर ड्रैगन का टास्क था इसलिए गाइस मैंने एंडर ड्रैगन को मारा। इसका इफेक्ट US मतलब अंग्रेजी, ये हो गए आगे 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 कितना सारा गया, हमने टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। और ये रहा गन्स भी हमने गए, गन तो हम पहले बना लिया, पोशन रिंग्स भी हमने बना लिए, नैदर भी हम जा चुके हैं, पोशन रिंग्स भी बना लिए हमने, गन्स भी बना लिए हैं, क्राफ्ट एनी गन्स टू हेल्प मोर टू डिफीट मॉब्स इजली, हमने गए गन तो बना लिए। और सोल सैंड सीलिंग इम्प्रूव मॉब फॉर्म ये भी हमने बना लिया है, मॉब फॉर्म जो भी अभी आपने देखा ही था मेरा, पहले आपने वीडियो देखी होगी यार। और द एंड क्राफ्टर एंड केक ये भी हमने कर लिया, और जो आखिरी और इज इट एक्सप्लोर द आउटर एंड आइलैंड्स टुगेदर लाइटर आज देन मेक फालतू चीज़ें, मतलब लाइटर चाम बनाया ताकि मुड़ सके। और चाम कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा गाइस चलो एक इन्होंने एक टास्क दिया कि मुझे ये मैंने पोशन चाम बनाया था, वो कह रहे पोशन चाम कह रहा हूँ, पता नहीं मैंने कौन सा चाम बनाया था यार, एंजल चाम लाइटर चाम, अबे यार पता नहीं मैंने पोशन चाम तो नहीं बना सकता, नेदरराइट चाहिए उसके लिए, कैसे बना लूँगा मैं, पता नहीं मैंने कौन सा चाम बनाया था यार, पोशन चाम में बनाया था मैंने, पर क्या ही कर सकते हैं गाइस अभी। और यहाँ पे मुझे 4 अनकॉमन मिल गए, इनसे भी हम मिला के कदम बना लेते हैं एक लेजेंड्री, ये आ जाएगा मैं बोले रेयर रेयर सॉरी 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 मैं कल से लेजेंड्री बोल दिया। और अब से रेयर को तोड़ने से अब मैं चेन मेल दे रही हूँ, ज़रा शर्म करो, कुछ अच्छा ब्लेजर ऑर्डर दिया अच्छी है, और केक भी दिया है मुझे, पर मेरी हैप्पी बर्थडे नहीं है अभी
हमारे पास क्या ही ओपी स्वॉर्ड बन चुकी है यार गाइज। सो आज के एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आए तो, लेकिन रुक जाओ, सबसे पहले गाइज मैं आपको एक स्लैम ब्लॉक क्लच दिखाऊंगा अभी करके। ओके, केक खा के अगर अपना पेट भर लेते हैं और इट्स टाइम टू क्लाइंब अप के हम कितना ऊपर जा सकते हैं। और गाइज क्या मैं दोबारा से स्लैम ब्लॉक क्लच कर पाता हूँ? मैंने गाइज कोल लगाए थे इनसे देखने के लिए कि मैं क्या 4/7 से कितने कोल मिलेंगे। एंड अभी हम इसको तोड़, अबे यार एक तो स्वॉर्ड भी ना मेरी, एंड पॉइजन दे दिया यार मुझे पोशन चाम ने यार। भाई बहुत गलत चीज़ है यार गाइज ये कोई सा भी रैंडम इफेक्ट देता। कैसे अगर सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट होते ना तो मैं तो उसको ऑब्वियसली बनाता। और समझ लो गाइज मैंने इसको अपने पास से उनका एंजल चाम में बनाना। मेरा टास्क है कि मुझे सारे चाम से बनाने माई लिविंग डेथ चाम, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। विदर स्केल्टन स्किल कहाँ से लाऊंगा मैं सारे? एंड ड्रैगन का स्किल भी मांग रहा है वो। मतलब अगले एपिसोड में एंड सिटी। और ये देखो गाइज प्रो, इस प्रो गाइज वी आर वेरी वेरी प्रो गाइज, आप जानते नहीं आई थिंक। सो आज के एपिसोड को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद है तो एपिसोड को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।